हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बंगाल की फेमस डिश पांता भात की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये भात ना, अगर आप गर्मी के दिन में हफ्ते में एक बार खाओ तो आपका पेट ठंडा रहेगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और इसे बनाने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपके जो बचे हुए भात है ना उसी से आप इसे बना सकते हो, मतलब चावल। तो हम लोग को भात कहने की आदत हो गई है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है चावल। तो ये चावल ना मैंने रात को बनाए थे, तो इतना चावल बच गया है। तो मैं इसमें पानी डालकर इसे रख दूँगी। तो पानी कितना डालना है, जितना पानी डालना है कि चावल एकदम अच्छी तरह से इसमें डूब जाए, कहीं से भी चावल दिखने नहीं चाहिए, पानी के अंदर सब डूब जाए। तो ऐसे पानी डालने से ना चावल जो है ना बचे हुए ख़राब नहीं होते, और रात भर रख देने पर ये परमानेंट हो जाते हैं, तो जिसे खाने पर हमारा पेट बहुत ठंडा रहता है। यहाँ पर मैंने इसे टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा ले लिया है चना दाल, ये हाफ कप के बराबर है। मैं इसे अच्छी तरह से वॉश करके भिगो देती हूँ, तो इसे भी मैंने भिगो दिया। तो इन सबको हम रात भर के लिए छोड़ देंगे, तो सुबह मैं आपको दिखलाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो चावल को जैसे कि मैंने भिगोया था बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, और चना दाल एकदम अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, इसे फिर से वॉश करेंगे और पेस्ट तैयार करेंगे। तो आप चना दाल के पेस्ट को देख सकते हो। तो इसे पीसते वक्त मुझे पानी लगा था, तो मैंने 50 ml के लगभग में इसमें पानी डाला था। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज को बारीक काट लिया है, और 10 के लगभग में हरी मिर्च है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, और थोड़ा सा धनिया। तो सारा मैं आधा आधा इस पेस्ट में डाल दे रही हूँ और आधा मैं रख दे रही हूँ। स्वाद अनुसार डालना है नमक और डाल देना है हल्दी, इसमें मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालने, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे मैंने मिक्स कर दिया है। तो हम चलते हैं कढ़ाई के पास। तो यहाँ पर आप कढ़ाई में आप देख सकते हो मैंने सरसों का तेल डाला था, और ये तेल गर्म हो चुका था, तो मैं इसमें सारी फुलौरियों को डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें ना सारा ही एक बार में डाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे गोल गोल फुलौरियाँ नहीं निकाली, मुझे पांता भात में डालना है, तो इसमें सारा आ ही जाएगा। तो मैं एक बार में सारा डाल दे रही हूँ। और इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। हम लोग जब बंगाल में थे ना, तो फुलौरी को हम दुकान से खरीद कर लाते थे, और रात के चावल में डालकर ऐसे पांता भात बनाकर खाते थे, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमें कुछ नहीं करना, फुलौरी बन रही है तब तक हम अपने इस चावल को अच्छी तरह से फोड़ लेंगे, फोड़ कर इसे धो लेंगे। ये रात का पानी है जो अभी मैं निकाल रही हूँ, और इसके बाद मैं इसमें फ्रेश पानी डालकर इसे छान लूँगी। तो इसमें जितनी गुठलियाँ थी मैंने उसे फोड़ लिया है, और फोड़ कर इसे धो लिया है। तो यहाँ पर मैंने साफ पानी डाला और इसे छान लिया। तो यहाँ पर ये एकदम अब साफ़ हो चुका है, तो हमारी फुलौरी भी एक साइड से हो चुकी है, तो इसे मैंने पलट लिया। अब हम चलते हैं फिर से अपने पांता भात की तरफ। तो इसे एक साइड से पकने देते हैं। यहाँ पर मैंने बड़े बर्तन में चावल को पलट लिया है, और इसमें हमें पानी डालना है, उतना पानी डालना है कि जो चावल के ऊपर से आकर दिखने लगे, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और फ्रेश पानी डालें जो पानी आप पीते हो। तो यहाँ पर चावल में पानी डाल दिया, बाकी के बचे हुए प्याज टमाटर धनिया, टमाटर नहीं प्याज हरी मिर्च और धनिया सबको इसमें डाल देना है। और डालकर इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच तेल। मैं सरसों का तेल ही यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर इसे अच्छी तरह से कर देना है मिक्स, और हमारा ये पांता भात रेडी हो चुका है। मतलब नॉर्मली लोग ऐसे भी पांता भात खाते हैं बस यही सब डालकर, लेकिन मैं थोड़ा टेस्टी बना रही हूँ। तो इसमें हम डालेंगे फुलौरियों को। तो यहाँ पर मैंने फुलौरियों को तल कर निकाल लिया है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरा हाथ देख सकते हो हाथ जल रहा है, तो मैं हाथ से इसे नहीं तोड़ने वाली। मैंने फिर से वही चम्मच की सहायता से मैं इसे कट कर ले रही हूँ, और इसे कट कर कर ही मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा फुलौरी भी नहीं चाहिए, 10 से 12 पीसेस सिर्फ चाहिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सारी फुलौरियों को कट कर कर डाल दे रही हूँ, मतलब 12 पीसेस। अगर आप फुलौरी नहीं बनाना चाहते हो ना, तो आप जैसे मैंने सब बताया पांता भात वैसे बनाकर इसमें ना 2 चम्मच सत्तू डाल देना, और साथ में नींबू का रस, तो आपका पांता भात वैसे भी बहुत टेस्टी बनेगा।
तो आप वैसे भी बनाकर खा सकते हो। तो यहाँ पर मैं फुलौरी वाला बना रही हूँ, तो इसलिए मैं सारा फुलौरी कट कर इसमें डाल दे रही हूँ। और पंथा भात ही बहुत ही स्वादिष्ट, बिना मसाले के, मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, बनने वाला है। और इन्हें पेट को इतना ठंडा लगता है, खाने के बाद लगता है कि हाँ कुछ खाया है, और फिर बहुत अच्छी सी नींद आती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यहाँ पर मैंने नींबू का रस एक चम्मच निचोड़ कर इसमें डाल दिया और हमारा टेस्टी सा पांता भात हो गया है रेडी। तो मैं इसे सर्व कर आपको दिखाती हूँ। आप इस पांता भात को चाहे तो भुनी हुई फिश के साथ सर्व कर लो, या ऐसे ही सर्व कर खा लो, या फिर आलू की भाजी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, या अचार के साथ, आप कैसे भी इसे खा सकते हो। आप अपने चॉइस के अनुसार इसे खा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फुलौरी जो बची हुई थी उसको भी ले लिया, साथ में पहले आलू की भाजी बनाई थी, और जिसे चाहिए वो हरी मिर्च को भी काट कर खा सकता है। यहाँ पर मैंने फटाफट से अपने पांता भात को सर्व कर दिया है और मैं चली खाने। तो आप भी ज़रूर बनाइए, बनाकर खाइए, उसके बाद कमेंट में बताना आपका पांता भात कैसा बना था। बाय बाय।